जमानत की शर्तों का उल्लंघन 10 अपराधियों पर पड़ा भारी, की गई निरस्त। एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देशन में एक नए तरीके की कार्यवाही से मची खलबली। थाना लाइन पार, रसूलपुर, रामगढ़, नगलाखनगर के अंतर्गत चिन्हित किए गए 10 अभियुक्त। फिरोजाबाद जिले में जमानत की शर्तों का उल्लंघन 10 अपराधियों को भारी पड़ गया है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के बाद ऐसे अपराधियों की जमानत को कोर्ट में निरस्त कर दिया है। पुलिस और कोर्ट द्वारा अपराधियों के खिलाफ हुई एक नई तरीके की कार्यवाही से अपराधियों में खलबली मच गई है। एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि कोई भी क्रिमिनल किसी अपराध में जेल जाता है और जब उसे कोई द्वारा जमानत मिलती है तो उसे कुछ शर्तों का पालन भी करना होता है। वह उस केस के गवाहों को नहीं धमकाएगा, कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, समय से कोर्ट की तारीख पर पेश होगा, समाज विरोधी काम कर अशांति पैदा नहीं करेगा। अगर वह बाहर जाना चाहता है तो उसे कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन पुलिस के मुताबिक काफी अपराधी जमानत पर छूटने के बाद शर्तों का पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते एक माह के अंदर 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। लाइनपार थाना पुलिस ने विकास पुत्र महेश, मोनू पुत्र शिवचरण, जय किशन पुत्र नरेंद्र, अतुल पुत्र किरण, रोहित पुत्र राजा। देखिए, फिरोजाबाद जनपद में लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में जो जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई है वो इस माह में 10 अपराधियों के खिलाफ में जमानत निरस्त कराई गई, जिन्होंने अपराध करने के बाद में जब वो जेल से बाहर बेल पे निकले हैं तो उन्होंने जो जमानत की शर्त है उनका उल्लंघन किया या उन्होंने अपराध किया, तो उसमें 10 ऐसे अपराधी हैं जिनकी जमानत निरस्तीकरण कराई गई है, जिसमें 5 लाइनपार से, 3 रसूलपुर से, 1 रामगढ़ और 1 नगलाखंगर से है। और अपराधियों पे लगातार इस तरह की कार्रवाई रहेगी, जो भी लोग इनकी बेल ले रहे हैं, जमानत ले रहे हैं, तो वो कंडीशंस का उल्लंघन ना करें, एट द सेम टाइम अपराधी भी बाहर निकल के अपराध ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए।